बहुत सी नेमतें ऐसी हैं कि जुल्म उनको मसलूब कर देता है और बहुत सी जानें ऐसी हैं कि सिर्फ एक सुखन से उनके खून घिराए जाते हैं। अकलमंदी को लाजिम पकड़ कि कोई माल उससे ज्यादा नाफे नहीं, और कनात को लाजिम पकड़ के मोहताजी और फाका के लिए उससे बढ़कर कोई चीज दाफे नहीं। जो शख्स दुनिया की नेमतों और उसके अतियों से गाफिल और बेहम हो जाता है, वो इज्जत और अबरू से मालामाल हो जाता है। सबसे अच्छा इल्म वो है जो अमल के साथ हो, और अल्लाह ताला के हाँ सबसे भारी गुनाह वो है जो उसके करने वाले की नजर में छोटा है। इस बात से बच्चा रह कि तेरा नफ्स ज़न्न व गुमान में तुझ पर ग़ालिब आ जाए और तू यकीन में भी उस पर ग़ालिब ना हो, तो ये बहुत बुरी बात है। मोमिन का ज़न जहल के यकीन से ज्यादा दुरुस्त और कामिल है, और हक पर जुल्म करना नुसरत बातिल में दाखिल होता है। आदमी का ज़न उसकी अकल का तराजू और मेजान है, और उसके अफाल उसकी इसालत के निशान और गवाह हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सख्ती और तकलीफ हमेशा लाहक रहती, और कभी शरीफों पर गुलामों की तरह जुल्म ज्यादती होती है। जहां बादशाह जुल्म करता है वहां आबादी नहीं रहती, और धोखाबाज और नाहक लेने वाले जन्नत में दाखिल ना होंगे। ना खून करने पर पहले संग दिली, फिर खुदा नाशनासी, और आखिर में बेरहमी की मोहर लग जाती है। जिस शख्स को अपनी सल्तनत के जवाल का खौफ होता है वो जुल्म से बाज रहता है। जालिम की हुकूमत में कोई खैर नहीं, और कुदरत वाले की माफी से कोई चीज अच्छी और बेहतर नहीं। हल्दी को आलू बुखारे वाले पानी में घोलकर पी लिया जाए तो 7 दिन में 30 किलो तक वजन कम हो जाता है। जो शख्स जुल्म की तलवार चलाता है उसकी हुकूमत और सल्तनत छिन जाती है। जो शख्स अपने हुकूमत के अरसा में जुल्म करता है वो जमाने के जालिमों में शुमार किया जाता है।